सीए पर गृह मंत्रालय का ट्वीट सामने आ गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, क्योंकि एक पोर्टल इसका तैयार हो चुका है, ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है और अब सीए के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। सीए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता अब अगर लेनी है, जो 2014 से पहले आए हैं, जो इसकी कट ऑफ डेट है 30 दिसंबर 2014, तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ये एमएचए ने कहा है। और ये देखिए आपके सामने ये ट्वीट भी है। इस बीच जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से सीए लागू किया गया, लेकिन ये आपके सामने ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी नोटिफाइंग टुडे द रूल्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए 2019। सुधांशु जी, ये जश्न किस बात का? मैं बता रहा हूं, ये जश्न उस बात का है कि वो हमारे लोग मानवता के नाते जो पड़ोसी मुल्कों में प्रताड़ना चाह रहे थे। अभी आप बंगाल का दृश्य दिखा रहे थे ना, याद करिए बांग्लादेश में क्या हुआ था। वहां की एक लेखिका तस्लीमा नसरीन ने स्वयं किताब लिखी थी लज्जा, किस ढंग का प्रोसिक्यूशन हुआ था। अब उसको भी देखने के लिए इन लोगों को नजर चाहिए पाकिस्तान की, तो किस तरीके से। अच्छा चलिए, इन लोगों को लगता प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान और अब 10 सेकंड में भाई एक ही लाइन में कर रहा हूं, उस समय 24% हिंदू था, आज 1 पॉइंट पर कुछ पे आ गया और उसके बाद प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। तो मैं एक लाइन में सिर्फ कह देना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, उनका कहना था कि जिनके पैरों जिनके लाशों पर सर रखकर आजादी है हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश गम की काली आंधी छाई। यानी जिन लोगों ने बलिदान सबसे ज्यादा दिया था, कम से कम उनके दर्द को आज देश ने समझा है और उन्हें स्थान देने का निर्णय लिया, इसलिए संभवतः ये जश्न मनाया जा रहा है।